उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय के लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री संजीव लोधी के ऊपर सुतली बम से हमला किया गया था। आपको बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायालय में लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री संजीव लोधी के ऊपर सुतली बम से हमला किया गया था, जिसमें संजीव लोधी और उनके साथी वकील घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। हमले का आरोप लखनऊ बार एसोसिएशन में महामंत्री जीतू यादव के ऊपर है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ वकील और सिविलियन संजीव लोधी के कोर्ट परिसर में बने चेंबर में घुसते ही मारपीट शुरू करते हैं, जिसके बाद वहां सुतली बम फटता है। मौके पर पहुंचे वजीरगंज थाने की पुलिस और वकीलों में जमकर नोकझोंक भी हुई। वकील लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। वकीलों का कहना था कि गेट पर ठीक से चेकिंग नहीं होती, पुलिसकर्मी अपने काम में ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा यह हुआ कि असले और बम से न्यायालय के अंदर एक वकील के ऊपर हमला हुआ। मौके पर पहुंचे जॉइंट कमिश्नर लखनऊ नवीन अरोड़ा इस मामले पर ज्यादा बोलने से बचते नजर आए, क्योंकि मामला अधिवक्ताओं का था। हालांकि उनका कहना था कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाएगा और मामले की विधिवत जांच की जाएगी, और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। संजीव कुमार लोधी एडवोकेट हैं, इन्होंने एक नेम्ड तहरीर दी है जिसमें इन्होंने 3-4 लोगों को नामजद किया है कि इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है और इनके पास असलहे भी थे। इस घटना का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हम इसी के साथ शुरू कर रहे हैं कि हमने गेट पे और डिटेल्स लेने हैं, साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है हम उसमें भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हथियार या चीज़ें लेके लोग अंदर आए थे। अब इस बात का हम एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग हैं जो बिना चेक हुए अंदर जाते हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, क्या उनको इस तरह की कोई विशेष फैसिलिटी दी हुई है कि वो DFMD से होके नहीं जाएंगे, ये सब हमारी जाँच का विषय होगा। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.